हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। तो जैसे कि आज 8 फरवरी है, तो क्या है, इलेक्शन। तो अभी मुझे तो लग रहा है पीपी वालों की हवा टाइट है, बाकी जो पार्टीज़ हैं उनकी पोजीशन टाइट है। तो अभी मुझे भी कुछ ही देर में जाना है किस पोलिंग पे, मुझे वोट देना है अपना। यार वैसे सच्चा तो कोई भी नहीं है, ना पीपल्स पार्टी, ना जीडीए, या एक्स वाई जेड, कोई भी हो, जेयूआई हो या कोई भी, सबको सियासत करनी है, करप्शन ही करना है। तो कोई फ़ायदा नहीं है किसी को भी वोट देने का, मगर वोट जो है वो इंसान ज़ाया भी तो ना करे ना। तो मुझे अभी चाचू ने भी बोला है यार जाओ, वो आए थे, वो कसम तो सच्ची करनी है ना, तो वोट देकर आओ। तो अभी कुछ ही देर में मैं जाऊंगा, मेरी बाइक थोड़ा काम से गई हुई है, अबू वाले सारे तो गाड़ियां निकाल के, जो 4-5 गाड़ियां थी वो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। ये टोटल कार्स और ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ड्रीम कार। सबसे पहले ये आपने वीडियो देख ली, ये 4-5 जो गाड़ियां हमारी थी, ये सुबह सुबह ओताक से हम निकाल रहे थे, जाना है वो इलेक्शन की वर्क करनी है ना। तो किसी दोस्त की कॉल आई, यार आपकी गाड़ियां है जो आज के दिन दे दो, फ्यूल हम देंगे, बाकी जो भी है वो आदमी कुछ ड्राइवर वगैरह आप देना। तो अबू वाले ख़ुद लेकर गए, ड्राइवर वगैरह सारे छुट्टी पे गए हुए हैं, तो वो गाड़ियां सारी उधर लेकर गए हैं। अभी मैं ख़ुद अपनी बाइक पे जाऊंगा यार। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा मैं बाइक पे ही सफ़र करता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, घूमता फिरता रहता हूँ इधर उधर, क्योंकि कार तो मिलती नहीं है, तो इसीलिए। तो चलो अब कुछ ही देर में निकलता हूँ मैं अपनी वोट देने के लिए, और अपनी राय बताएं कि मैं वोट किसको दूं। अभी मैं जा रहा हूँ कसम के साथ वोट देने। चलते देखते हैं हमारी पोलिंग कैसी है, कहाँ पे है, क्या है, टोकन वगैरह लेंगे और आगे। बीच से रास्ता किया है, बीच से बाहर से जाते तो 100 का ज़्यादा पेट्रोल होता, तो इन्होंने ना पेट्रोल दिया है ना कोई बिरयानी का आसरा दिया है। हल बेरुगी हमसे वोट लेंगे, वही कभी आया नहीं हूँ आबास रिम के गांव, तो पोलिंग नहीं मिल रही थी। पहले डायरेक्टर पीछे चले गए, अभी इधर आए हैं। अब हमें लगता है कि यही गांव है, तो चलते हैं देखते हैं, किसी ना किसी से पूछते हैं कि कहाँ है हमारा वोट। की गाड़ियाँ पीछे खड़ी, पहली बार आया हूँ इधर। वैसे तो अमल पक्की में होता था हमारा वोट, तो वहाँ का पता है, इधर का पता है नहीं, तो इसी पे पूछते हैं। क्या पोलिंग स्टेशन की दिया? ये तो सामो। ठीक है, मेहरबानी, ठीक। तो ये पता चला है कि सामने पोलिंग स्टेशन है, तो देखते हैं। तो यार ये मैंने पीपलों का जो झंडा देखा है, मेरा अभी से दिल बोल रहा है कि जीए भुट्टो का नारा मार दूं, मगर नहीं, मारना नहीं है। फाइनली पोलिंग स्टेशन पर पहुंच गए, तो लिस्ट मुझे मिली, अपना नाम ढूंढूं और टोकन बनाऊं। और ये कहाँ रहा मेरा नाम, और ये रहा सज्जाद अली, ये मेरी CNIC नंबर। तो अपना टोकन बना लिया और आ गए। यार लोग बहुत थे, लाइन बड़ी है, तकरीबन ये टोकन के साथ खड़े हो गए 30 से 35 लोग हैं। यार टोकन के साथ मुझे लाइन में होना पड़ा, तो वैसे मेरा मूड नहीं था लाइन में खड़े होने का, मगर क्या करें यार, मजबूर। कौन बनेगा करोड़पति वाला सीन है आज, फाइनली हम भी करीब पूछने वाले हैं, तो वोट किसे देना है देखते हैं क्या करें। पहुंच गया मेरा नंबर करीब, अब ठप्पे पे ठप्पा, पता नहीं किस पे लगेगा ठप्पा। ओह, अब सोच रहा हूँ, आप दोस्त आप बताएं कहाँ पे ठप्पा लगाऊँ, किस, ये हमारा मोहम्मद हारून का भी है वोट, आप बताएं कहाँ पे ठप्पा। मैंने ठप्पा लगा दिया, तो अभी चलते हैं। तो यार पोलिंग की कुछ कंडीशन सही नॉर्मल है, मतलब मैंने सोचा कुछ मज़ा होगा, मगर इधर तो नहीं है, ये हसास बिल्कुल भी नहीं है, पोलिंग तो नॉर्मल मूड है,
कंडीशन नॉर्मल लगी पड़ी है इस पोलिंग पे। दोस्तों फाइनली अभी इलेक्शन की एंड है और शाम हो रही है, लास्ट एक वोट बचता था वो देने आया था, तो मेरी गाड़ी भी पंचर हो गई, तो आपको दिखाऊंगा इस ब्लॉग के एंड में कि गाड़ी को पंचर लगाया, 70 रुपए वो चट्टी लगी, 200 का पेट्रोल सुबह से सड़ गया और बिरयानी भी नसीब नहीं हुई होगी हमारे। हमें दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर करें।